इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म जंगली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हॉलीवुड के डायरेक्टर चक रसल ने। चक द मास्क, इरेजर और द स्कॉर्पियन किंग के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में विद्युत के साथ पूजा सावंत, आशा भट्ट, अतुल कुलकर्णी और अक्षय ओबराय अहम भूमिकाएं निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में जानवर और इंसान की दोस्ती के साथ ही हाथी के दांत की तस्करी के मुद्दे पर भी लोगों का ध्यान खींचा गया है। इस फिल्म में विद्युत जामवाल के कैरेक्टर का नाम है राज नायर, जिसका बचपन हाथियों के साथ ही गुजरा होता है। राज मुंबई में डॉक्टर होता है और 10 साल बाद अपने घर अपनी माँ की बरसी के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपने पिता से मिलता है। और राज के पिता, जो कि हाथियों की सेंचुरी संभालते हैं, जहाँ आकर उसे मालूम पड़ता है कि जंगल में हाथी के दांत की तस्करी की वजह से हाथियों को मारा जा रहा है। इसी बीच राज के दोस्त भोला को, जो कि एक हाथी है, उसे मार दिया जाता है, जिसके बाद राज हाथी के दांत की तस्करी को रोकने और हाथियों को बचाने में लग जाता है। इस बीच आपको विद्युत का शानदार एक्शन भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार विद्युत अपनी एक्टिंग से खास कमाल नहीं कर पाए हैं। उनका कैरेक्टर कई बार आपसे डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, लेकिन एक्शन हर बार की तरह शानदार है। पूजा सावंत की एक्टिंग भी अच्छी है और वो अपने किरदार को बखूबी निभाती हुई नजर आई हैं। फिल्म के बाकी के कैरेक्टर भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है। फिल्म बहुत ही ब्राइट लगती है। फिल्म में चक रसल ने एनिमेशन की जगह असली जानवरों को लिया है, लेकिन फिर भी आप कहानी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कमाल का है। अगर वीकेंड में बच्चों के साथ कोई फिल्म देखने जाना चाहते हैं तो ये मूवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इस मूवी से आपके 100 में से 65 रुपए जरूर वसूल हो जाएंगे।